बात अब जिला अधिकारी लोकेश एम की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोकेश एम ने कहा कि इंसानों के जीवन से खिलवाड़ वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिलाधीश ने खाद्य विभाग की टीम को निर्देश दिए थे कि क्षेत्र में मिलावटखोरी के धंधे पर लगाम लगाएं। डीएम के आदेश पर खाद्य विभाग की टीम ने शहर में बिक रहे सड़े गले फल, सब्जियां व मिठाइयों को नष्ट करा दिया। मुख्य खाद्य निरीक्षक रणधीर सिंह ने जेपीएन 7 को बताया कि इंसानों के जीवन से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। वहीं सड़े गले फल, सब्जियां, मिठाइयां व अन्य खाद्य सामग्री की बिक्री पर अंकुश लगाने को अभियान चलाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोकेश एम ने कहा कि इंसानों के जीवन से खिलवाड़ वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिलाधीश ने खाद्य विभाग की टीम को निर्देश दिए थे कि क्षेत्र में मिलावटखोरी के धंधे पर लगाम लगाएं। डीएम के आदेश पर खाद्य विभाग की टीम ने शहर में बिक रहे सड़े गले फल, सब्जियां व मिठाइयों को नष्ट करा दिया। मुख्य खाद्य निरीक्षक रणधीर सिंह ने जेपीएन 7 को बताया कि इंसानों के जीवन से खिलवाड़ की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। वहीं सड़े गले फल, सब्जियां, मिठाइयां व अन्य खाद्य सामग्री की बिक्री पर अंकुश लगाने को अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर पूरे जिले में 20 जुलाई से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सड़े गले फलों जो मानव खाद्य के लिए अनुपयुक्त हों तथा मिठाइयाँ एवं अन्य खाद्य पदार्थ जो मानव खाद्य के लिए अनुपयुक्त हो उसको डिस्ट्रॉय कराने का आदेश हुआ है और आवश्यकता अनुसार नमूना कार्रवाई भी करने का निर्देश है। यह अभियान 20 जुलाई से 29 जुलाई तक चलाया जाएगा, जिसमें जनपद के समस्त खाद्य निरीक्षक एवं खाद्य सहायक इसमें रहेंगे। अभियान में सर देखा जाता है कि अभियान चले जाते हैं लेकिन एक औपचारिकता मात्र बनकर रह जाते हैं, क्या वजह मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी मशीनरी बहुत अच्छा काम कर रही है जिले में और आवश्यकता अनुसार अभियान चला करके नमूना लिया गया है, छापे भी डाले गए हैं। भारी मात्रा में अवैध जो कारोबार कर रहे थे उनको सीज करके उनके खिलाफ जो है FIR भी हुई है और उनको जेल में भी डाला गया है जिले में। और वर्तमान में गले सड़े जो फल हैं और खराब मिठाइयां हैं और खराब अवस्था में जो खाद्य पदार्थ हैं उनको नष्ट करा के हमारी टीम के द्वारा जो है एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है। लोगों को, जो पब्लिक के लोग हैं, उसको इस अभियान को एप्रिशिएट भी